त्रिकोणीय मुकाबले के चलते जैसलमेर लोकसभा हॉट सीट बन गई है। वोटर्स को साधने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के जरिए जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे। मुलाकात के लिए 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल देर रात जैसलमेर पहुंचे। दौरे के मद्देनजर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसलमेर के बाद सीएम बाड़मेर जाएंगे। कल देर रात सीएम के जैसलमेर पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इसके बाद सीएम देर रात बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कोर कमेटी, ब्लॉक और बूथ अध्यक्षों की बैठक ली है। बैठक के दौरान बीजेपी कार्यालय में टाइट सिक्योरिटी के साथ केवल चुनिंदा कार्यकर्ताओं को एंट्री दी गई। मीडिया को इस मैराथन बैठक से दूर रखा गया है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदराम की नामांकन सभा में हजारों की भीड़ जुटने के बाद बीजेपी सीट को लेकर गंभीर है। सीएम आज भी जैसलमेर के एक निजी होटल में विभिन्न समाज के अध्यक्ष और प्रबुद्ध जनों से मिलेंगे। इसके बाद सीएम बाड़मेर जाएंगे, जहां वो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच साझा कर सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए श्रीकांत व्यास मौजूद हैं। श्रीकांत, ताजा अपडेट बताएं पहले। जी, मैं आपको बता दूं कि सीएम भजनलाल शर्मा जो है जैसलमेर के होटल मैरियट में है और 36 कौम के जो समाज अध्यक्ष है, उनके जो प्रभावशाली लोग हैं जो कि समाज में का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। समाज अध्यक्ष आना शुरू हो चुके हैं और जो लोग आने वाले हैं उनकी एक लिस्ट भी हम लोगों ने सामने रखी, जिसमें करीब 95 नाम थे, जिसे अब बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। और जो समाज के लोग आ रहे हैं उनकी फोटो आईडी चेक की जा रही है, उसके बाद उन लोगों को अंदर एंट्री दी जा रही है। जिनका नाम नहीं है उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। पूर्ण टाइट सिक्योरिटी के बीच जो है ये सारा कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहा है। इसमें 36 कौम के वोटर्स को साधने का प्रयास जो है वो सीएम करेंगे। इस वक्त मैं होटल के बाहर हूँ, वहां की भी तस्वीर आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो होटल के बाहर जो है वो टाइट सिक्योरिटी के बीच इन लोगों को एंट्री दी जा रही है। लगातार जिस तरह से तैयारियां की जा रही थी इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा द्वारा, आप देखिए यहाँ पर लिस्टिंग बनाई गई है, 100 लोगों के करीब की लिस्ट बताई जा रही है। जो लोग हैं उनकी आईडी चेक की जा रही है, फिर उन्हें जो है यहाँ से जाने दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जिन लोगों का नाम नहीं है वो लोग, और या फिर जिन लोगों का नाम होने के बाद आईडी नहीं है, उन लोगों को यहाँ इंतजार भी करना पड़ रहा है। अलग अलग समाज के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बात करें रावणा राजपूत समाज से लोग हैं, राजपूत समाज से भी लोग हैं, साथ ही साथ जो शहरी जो ब्राह्मण समाज की बात करें, अजूरी समाज की बात करें, तमाम समाजों के लोग जो है वो मौजूद है। और साथ ही साथ बाहर जो कांग्रेस छोड़कर इन दिनों भाजपा में शामिल हुए नेता है उनके भी आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए लिस्ट में नाम नहीं है तो उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है और लगातार जो है वो लिस्ट चेक की जा रही है, अंदर से भी बातचीत जो है वो लगातार हो रही है। मैं भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ जो है तैयारियां हैं, किस तरह से इस बार जोश जो है वो सीएम भर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह सीएम जो है वो आज जोश भर रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम रावणा राजू समाज से है। माननीय मुख्यमंत्री ने समाजों के प्रतिनिधियों को बुलाया है, इसलिए हम समाज के प्रतिनिधियों के नाते यहाँ आए। समाज की कुछ हमारी मांगे है और जो समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उस संबंध में हम यहाँ आए। देखिए समाज की जो मांगे है उनको लेकर और अन्य जो सब है उन सब बातों को लेकर, तमाम बातों को लेकर यहाँ पर बातचीत जो है वो होगी। मैं आपको लगातार यहाँ की लाइव तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ, जो कि होटल मैरियट में जो है मीटिंग होने वाली है। इस मैराथन बैठक को लेकर सीएम तैयार है, कुछ ही देर में सीएम भी इस बैठक में जो है शामिल होने के लिए जो होटल का कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां जाने वाले हैं। और अभी जो है उसके बाद सीएम की शहर में भी जो है यहाँ पर राज परिवार के वहां बैठने के लिए जाने का कार्यक्रम है, जो कि जो हुकम सिंह है महाराज वो उनके निधन के बाद जो बैठक चल रही है उसको लेकर भी जो है सीएम जा सकते हैं, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। लेकिन पहले ये बैठक होगी, उसके बाद सीएम का जो शहर में जाने का कार्यक्रम है वो होगा और उसके बाद एक सबसे विशेष बैठक होनी है, जिसमें जिला कोर कमेटी के करीब 11 से 12 लोगों के होने की जो है वो सूचना मिली है, जिसमें जिला अध्यक्ष, दोनों विधानसभाओं के विधायक और जिला प्रमुख, वो लोग जो राष्ट्रीय या राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन लोगों के साथ ये बैठक की जाएगी और जो सारा फीडबैक सीएम को मिला है उस पर चर्चा होगी, क्या कुछ कमियां रही है जिसकी वजह से ये सारी बातें। जिस तरह के रात की मीटिंग की बात करें तो रात की मीटिंग में जिस तरह से एक बात निकलकर सामने आई कि 5 साल तक आप सब लोग कहां थे, 5 साल को लेकर दबी आवाज में ही सही लेकिन विरोध लोगों ने जरूर किया। जैसलमेर के जो कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि कहीं ना कहीं उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है,
जिसकी वजह से वो लोग नाराज थे, उन्हें मनाने का प्रयास किया है। ब्लॉक और बूथ स्तर के साथ साथ जो पन्ना प्रभारी थे उन तक से सीएम मिले और कुछ प्रभावशाली जो लोग हैं समाज में अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, 36 ही कौम के लोगों में उनका जो वर्चस्व है, उन लोगों को भी आज वन टू वन मीटिंग जो है वो भी होटल में होने की संभावना जता रही है। हालांकि मीडिया को लगातार मीटिंग से दूर रखा जा रहा है। इस बार भाजपा ने अपनी नाक का सवाल जो है इस सीट को बना लिया। जिस तरह से रोमांचक मुकाबला हो चला है भाजपा और कांग्रेस के बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जब से रविंद्र सिंह कूदे हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ी थी और उसका ही इफेक्ट है कि चुनाव के जो चार पड़ाव कहा जाता है, पहला नामांकन, दूसरा जनसंपर्क, तीसरा मतदान और चौथा रिजल्ट, इन चारों पड़ावों में जो पहला पड़ाव जो है उसमें भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ी है, तीसरे स्थान पर रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए।